ये देश जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर है, ये देश, ये बंगाल उतना ही काजी नजरुल इस्लाम का है। और आज जो जो नागरिक उस बात की बुनियाद में विश्वास करता है, हर किसी को सड़क पे उतरना पड़ेगा। आज ये लड़ाई हर एक उस नागरिक का है जो इस देश का संविधान को बचाना चाहता है, हर एक उस माँ का है, हर एक उस परिवार का है जो यही चाहता है कि कल उसके जो बच्चे हैं, उसके जो औलाद है, डिटेंशन कैंप पे कट जाए। आज ये हर उस अम्मी की लड़ाई है। तो इसीलिए मैं यहाँ से यही बोलना चाहूंगी कि जेएनयू के तरफ से कि आज इस आंदोलन में, आज इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। अगर आज आप पे एक लाठी बरसाई जाएगी तो जेएनयू रास्ते में उतर के आपके साथ वो लाठी खाएगा। अगर एक टीयर गैस चलाया जाएगा, एक वाटर कैनन चलाया जाएगा आप पे, तो जेएनयू आपके साथ कंधे से कंधे मिला के सड़कों पे होगा, उस वाटर कैनन पे खाने के लिए। और जेएनयू ने बहुत बोल दिया है कि हम लाठी और आयरन रॉड से डरने वाले लोग नहीं है। आयरन रॉड से मारने चले थे जेएनयू के स्टूडेंट्स को, जेएनयू के स्टूडेंट्स निकल